खबर मुरैना से है, जहां वन विभाग की नीलामी से ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद कर ले जा रहे दो युवकों पर बदमाशों ने फिल्म स्टाइल में फायरिंग की और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए। घटना मुरैना आरटीओ बैरियर के पास की है। घटना के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरियादी मुलायम सिंह ने वन विभाग की नीलामी में भाग लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीदी की थी, जिसमे उसने 4,72,000 रुपए में ट्रॉली खरीदी थी। वो अपने भाई को साथ में लेकर ट्रॉली को ले जाने आए थे। धौलपुर रोड में स्थित वन विभाग के डिपो से ट्रॉली निकाल कर ले गए और शिवपुरी जा रहे थे। तभी मुरैना आरटीओ बैरियर के पास पहुंचे ही थे कि एक बुलेरो कार और दो बाइक पर सवार कुछ बदमाश वहां पहुंचे, जिन्होंने कट्टे से दो फायर किए और ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। उन्होंने सिविल लाइन थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करवाया है। फरियादी ने बताया कि उन्होंने डिपो के कोटवार से कहा था कि एक दिन के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली डिपो में रहने दें, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही वो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल कर ले गए, उसने ट्रैक्टर के मालिक को फोन कर दिया, जिससे लोग वहां पहुंच गए और ट्रॉली को लूट कर ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज़। ट्रैक्टर हमने वन विभाग से खरीदा था, रेंज लेके आ रहे थे, तो आरटीओ बैरियर पड़ता है उससे आगे दो फायरिंग किया था। उसके बाद हम ट्रैक्टर को छोड़ कर गए और लोग वहाँ आए थे, 3 बाइक आई थी और साथ में बोलेरो भी थी। तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाल के